क्लासिफाइड दस्तावेज पब्लिक नहीं की जा सकती। साइफर गुम करने पर 2 साल, पब्लिक करने पर 14 साल सजा हो सकती है। चेयरमैन पीटीआई ने कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाया, साइफर वापस भी नहीं किया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एफआईए ने चेयरमैन पीटीआई को 25 जुलाई को तलब कर लिया, नोटिस जमान पार्क में वसूल करवाया। असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें या 90 रोज़ मिलें, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए तैयार। असम्बलियाँ 12 अगस्त को तहलील हो गईं तो 11 अक्टूबर तक इलेक्शन करा देंगे। नई मरदमशुमारी मंजूर हुई तो हल्का बंदियों के लिए 4 माह दरकार होंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद की मीडिया से गुफ्तगू। ECC ने आम इंतखाबात के लिए 42 अरब 50 करोड़ रुपये की ग्रांट की मंजूरी दे दी। मुआशी बहाली के इकदामात को तमाम स्टेक होल्डर्स की हिमायत हासिल है। हुकूमत नौजवानों को बेहतर मुस्तकबिल के मौके फराहम करने के लिए कोशा है। आइंदा चंद माह में बहुत से मंसूबे कौमी धारे का हिस्सा होंगे। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का IT सेमिनार से खिताब, आर्मी चीफ की भी शिरकत। और ज़िला खैबर में तहसील कंपाउंड पर हमले की कोशिश नाकाम, बहादुर जवानों की बरवक्त कार्रवाई। 2 खुदकुश हमलावरों को गेट पर ही रोक लिया, 1 मौके पर हलाक, दूसरे ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। 3 अहलकार शहीद, 8 अहलकार जख्मी। कंपाउंड में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल।